अजीज तलबा तालबात फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चों, फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तिहान बराए जमात नहम और दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल कर सकते हैं। वालदैन के से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students hope you all are doing well as you all know students we had started chapter number 4 transport in humans in our previous video so now in today's video we'll be discussing the remaining topic of chapter number 4 so students before starting our new topics I'd like to give you a short review of what we had studied or what you had learned in the last video so students we have discussed blood circulation blood vessels in our last video so humans have a double circulation jo humans human beings hote hain unke paas maine aapko bataya tha ke double circulation system hota hai double circulation system लाइक हार्ट में हमारे ह्यूमन हार्ट में दो दफ़ा ब्लड सर्कुलेट हो रहा होता है दो दफ़ा ब्लड आ रहा होता है फर्स्ट टाइम डीऑक्सीजनेटेड सेकंड टाइम ऑक्सीजनेटेड दोनों जो हैं ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो अलग अलग से नहीं आ रहा होता वो एक ही टाइम पे आ रहा होता है लाइक अगर हम लोग बात ये कर रहे हैं कि हमारी डबल सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की हार्ट में हमारे पास दो दफ़ा ब्लड आ रहा है तो वो दो दफ़ा ब्लड जो है वो ऑल्टरनेट नहीं आ रहा एक के बाद एक तरह से नहीं आ रहा है वो दोनों सेम ड्यूरेशन पर आ रहे हैं और सेम टाइम पर आ रहे हैं लाइक हमारे पास कि मैंने आपको सर्कुलेशन में रिकॉल करें कि मैंने आपको बताया था कि जो राइट एट्रियम है सबसे पहले हमारे पास वेंस के थ्रू ब्लड आएगा हमारे पास राइट एट्रियम में देन राइट वेंट्रिकल में सारा राइट वेंट्रिकल से हमारे पास ब्लड चला जाएगा लंग्स के पास और जो राइट एट्रियम से जो लंग्स के पास ब्लड जाएगा वो होता है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाइल जो हमारे पास लेफ्ट साइड है लेफ्ट एट्रियम पे हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आ रहा होता है हमारे पास लंग्स से आ रहा होता है लंग्स से सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एलए में आता है लाइक राइट लेफ्ट एट्रियम में देन उसके बाद जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और उसके बाद सारा ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई किया जाएगा हर टिश्यू हर ऑर्गन को ब्लड मिल जाएगा जो कि ऑक्सीजनेटेड होगा सो स्टूडेंट्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट पम्प्स ब्लड टू द लंग्स टू कलेक्ट ऑक्सीजन एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाइल द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पम्प्स ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू सप्लाई सेल्स विद ऑक्सीजन एंड पिक अप कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स व्हेन ब्लड गेट्स टू द बॉडी सेल्स अ लिक्विड कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड पासेस अक्रॉस द वॉल ऑफ द कैपिलरीज सब्सटेंसेस सच एज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव इन बोथ डायरेक्शन थ्रू द वॉल्स बाय डिफ्यूजन सो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया ताकि जो हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट है वो क्या करेगा वो पम्प करेगा ब्लड लंग्स के पास जो लंग्स को वो ब्लड देगा वो होगा सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पे ब्लड जाकर सारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजन कलेक्ट करके क्या हो जाएगा कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और जो हमारा सारा ब्लड है वो रेड ऑफ हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सारी लंग्स के पास चली जाएगी और ऑक्सीजन ब्लड के पास हो जाएगी अब हमारा सारा ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट पम्प्स ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी यानी कि जो हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है एल ए एंड एल वी लाइक लाइट लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट
एट्रियम वो सारे ब्लड जो है पम्प करती है सारी बॉडी को, यानी कि सारे बॉडी ऑक्सीजन को, सारी बॉडी पार्ट्स को वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और पिकअप कर लेती है, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स हैं या टिश्यूज़ हैं, कैपिलरीज हैं, उनके पास जो वेस्ट मटीरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सब कलेक्ट कर लेगी और वो वापस जाकर कहाँ चला जाएगा, सारा ब्लड जो है हमारे पास दोबारा आ जाएगा राइट एट्रियम के पास। तो इस तरह हमारे पास जो है स्टूडेंट्स पूरी सर्कुलेशन चल रही है कि राइट एट्रियम में भी ब्लड आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम में भी ब्लड आ रहा है, लेकिन जो राइट एट्रियम के पास ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल के पास ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो सॉरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। सो लेफ्ट साइड के पास कौन सा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड। राइट साइड के पास कौन सा ब्लड हो गया हमारे पास? डीऑक्सीजनेटेड। इसी तरह लंग्स के पास भी दो दफ़ा ब्लड आ रहा है, एक दफ़ा वो ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है, एक दफ़ा वो ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है, वो निकल के कहाँ आ रहा है? हमारे लंग्स के पास जा रहा है, वो हमारे लंग्स से निकल के जाएगा फौरन हार्ट के पास और हमारी बॉडी को पूरा सप्लाई कर दिया जाएगा। क्योंकि अब इसका प्रोसेस ये है, अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो कि जो बॉडी है हमारे पास उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी को मिल गया, तो डीऑक्सीजनेटेड कैसे हुआ वो ब्लड? क्योंकि स्टूडेंट जब भी हमारे पास ब्लड ने हमें सबको ऑक्सीजन सप्लाई कर दी सारे बॉडी पार्ट्स को, अब सारे बॉडी पार्ट्स अपना फंक्शन कर रहे हैं तो जाहिर है उनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी उनको मिल रही है ऑक्सीजन के थ्रू, तो जब वो काम करते हैं किसी भी किस्म का तो वो एनर्जी यूज़ करते हैं, जब वो एनर्जी यूज़ कर लेते हैं तो ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में और वो हमारी बॉडी के जो सारे वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना चाहिए, जो कि हमारे पास ब्लड के बाद हमारे एक्सक्रीट आउट होना चाहिए, वो सारा वेस्ट प्रोडक्ट भी हमारी बॉडी पार्ट्स के पास होता है। सो जब कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल से सारी बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा तो वो बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, टिश्यूज़ को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगा और सारा वेस्ट प्रोडक्ट, सारा कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा। इसीलिए जब कभी भी, अगर आपने एक एग्जाम्पल है बहुत ज़्यादा देखी जाती है, अक्सर हम लोग को आदत होती है कि हम लोग जो अपने हैंड है या फिर रिस्ट वगैरह है वहाँ पे हम लोग रबर बैंड लगा लेते हैं अक्सर, या कभी बेदहानी में कभी रबर बैंड हमारे हाथ में और हमने वो हाथ में पहन लिया, या फिर कोई टाइट हमने ऐसी चीज़ हाथ में या वॉच वगैरह पहनी जो कि बहुत ज़्यादा टाइट है, तो हमारा जो वो पार्ट है वो ब्लू हो जाता है, वो डार्क कलर उसमें पूरे बैंड का निशान बन जाता है, वो इस वजह से क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है या जो ब्लड का सप्लाई है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। जब कभी भी हमारे पास ब्लड का सप्लाई ऑर्गन्स के पास कम हो जाएगा तो वो ब्लूइश कलर के होने लगेंगे, यानी कि वहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की। एक्यूमुलेशन मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड उस जगह भर जाएगा, वेस्ट प्रोडक्ट उस जगह भर जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ले ही नहीं पाएगा वहाँ से, तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं किसी भी किस्म के वो जो है ब्लूइश कलर के होने लग जाते हैं, इसीलिए क्योंकि वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि हमारे बॉडी में नहीं रहनी चाहिए, जो कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जानी चाहिए या फिर लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे लंग्स के बाद हमारे माउथ से, नोज से बाहर हम लोग बाहर चली जानी चाहिए, हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो। सो आवर न्यू टॉपिक इज द पंपिंग साइकिल। ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट एट्रियम थ्रू अ लार्ज ब्लड वेसल कॉल्ड द वेना कावा। ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर पुशिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इज पम्प्ड टू द बॉडी थ्रू द एओर्टा एंड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स अलोंग इज artery. Both ventricles contract at the same time. Every contraction of the atria in the ventricle is called heartbeat. In fact, there is really a double beat since the atria contract just before the ventricle. This is important if blood is to flow through the heart in the right direction. सो स्टूडेंट्स, जो ये हमारा पैराग्राफ है, इससे पहले अगर आप बात की जाए तो मैं आपको बार बार यही बता रही थी कि हार्ट में ब्लड जो है वो दो दफ़ा आ रहा होता है, वो हमारे पास सर्कुलेशन थी, लेकिन ये हमारे पास जो है वो पूरी साइकिल है। जो हमारे पास आरए में या फिर एलए में, यानी कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में जो भी ब्लड आ रहा है वो फर्दर सप्लाई कैसे हो रहा है, यानी कि चलें वेन्स या फिर आर्टरीज वगैरह तो एक ट्यूबिंग है, जिस तरह से ट्यूबिंग के थ्रू ब्लड जो है वो पहुँच जाता है राइट एट्रियम के पास और लंग्स के पास या फिर लेफ्ट एट्रियम के पास और बॉडी के पास, लेकिन जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स हैं उनकी सर्कुलेशन कैसी है, उनकी पंपिंग साइकिल, वो जो पंप करते हैं ब्लड, वो किस तरह हो रहा है? जाहिर है किसी भी किस्म के पास, लेफ्ट एट्रियम के पास ब्लड आया तो उसके पास कोई तो ऐसी कॉन्ट्रैक्शन होगी ना जिसके थ्रू वो आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बस कोई पानी है जो बह जा रहा है या ब्लड है जो बह जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई ना कोई प्रेशर, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्शन तो हमारे हार्ट को चाहिए होगी, उस कॉन्ट्रैक्शन को, उस
प्रेशर को जिसके थ्रू ब्लड सप्लाई किया जाता है लंग्स में या फिर पूरी बॉडी में, वो हमारे पास पंपिंग साइकिल है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई पंपिंग साइकिल ना हो तो हमारा हार्ट बीट जो हमें सुनाई देती है, जो हमारा उर्दू में कहा जाए जो हमारा दिल धड़कता है, वो किस तरह धड़क रहा होता है? हाँ, दिल तो हमारा धड़क ही नहीं सकता अगर हमारे पास कोई पंपिंग साइकिल नहीं है। जो डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमारी हार्ट बीट चेक करते हैं, तो वो क्यों चेक कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड जो बॉडी तक सप्लाई किया जा रहा है या फिर जो हार्ट के पास आ रहा है, लंग्स के पास जा रहा है, वो एक पंपिंग साइकिल के थ्रू हो रहा है। कोई ना कोई प्रेशर है, कॉन्ट्रैक्शन है, रिलैक्सेशन है वेंट्रिकल्स की, एट्रियम के, जिसके थ्रू ही ब्लड जो है पूरी बॉडी में, थ्रू आउट बॉडी जो है वो ट्रैवल कर रहा है। तो ब्लड जो है हमारे पास आरे के पास आता है, वो किस तरह आ रहा है? सारा ब्लड बॉडी से आता है राइट एट्रियम के पास, जो कि होता है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो किसके थ्रू आ रहा है? लार्ज ब्लड वेसल कॉल्ड दी वेना कावा। लाइक जो वेना कावा है, वो हमारे पास वेन्स हैं जो कि हमारे ब्लड जो सप्लाई कर रही हैं बॉडी से, लेकर बॉडी सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लेती हैं और वो सप्लाई कर देती हैं राइट एट्रियम को। अब अगर जो ये वेना कावा हैं, ये कौन कौन सी हैं? हमारी बॉडी में दो वेना कावा हैं जो कि सप्लाई कर रही हैं पूरा ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड है वो सप्लाई करेंगी राइट एट्रियम को, जिसको हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। ये आपने हमेशा याद रखना है कि हमारे पास कौन सी दो वेना कावा हैं। दो वेना कावा फर्दर डिवाइड होती हैं सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। सो स्टूडेंट्स, ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंटर द लेफ्ट एट्रियम थ्रू द पल्मोनरी वेन्स। अब सारा जो हमारे पास लंग्स है, लंग्स के पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस तरह ट्रैवल हो रहा है? यानी कि ब्लड से लंग्स हमारा लंग्स के पास जो ब्लड है ऑक्सीजनेट जब वो हो गया तो वो लेफ्ट एट्रियम के पास कैसे आया? तो वो भी हमारे पास वेन्स के थ्रू आता है। अब वो कौन सी वेन्स हैं जो हमारे पास लंग्स से ब्लड ट्रांसफ़र करती हैं राइट लेफ्ट एट्रियम को, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स, पल्मोनरी जो पल्मोनरी वर्ड यूज़ किया जाता है वो लंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। पल्मोनरी सिस्टम अगर हम कहें कभी तो वो लंग्स की बात हो रही है। पल्मोनरी मीन्स पल्मोनरी वर्ड कनेक्ट है लंग्स के साथ। तो जो लंग्स से वेन निकल रही हैं और ट्रांसपोर्ट कर रही हैं ब्लड को लेफ्ट एट्रियम तक, उसको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स। द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर पुशिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स। अब जब हमारे पास सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ब्लड आ गया राइट एट्रियम में एंड पल्मोनरी वेन्स से लंग से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम में, दोनों एट्रियम हमारे पास लेफ्ट भी राइट भी जो है वो फिल हो गए ब्लड से। नाउ बोथ द एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि हमारे बोथ जो एट्रियम्स हैं, दोनों एट्रियम हैं सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, सुकड़ेंगे। अगर आसान वर्ड में कहा जाए तो वो एक दूसरे के करीब आएंगे। कॉन्ट्रैक्शन एक हम तरह से सुकड़ना भी कहते हैं, जिससे हमारे जो एट्रियम हैं दोनों, उससे प्रेशर बनेगा। जब कोई चीज़ हम निचोड़ रहे होते हैं या हम उसको कोई प्रेशर डाल रहे होते हैं उस पर, तो उससे हमारे जो ब्लड है वो सारा ब्लड प्रेशर होने की वजह से लेफ्ट एट्रियम या राइट एट्रियम से आ जाएगा वेंट्रिकल्स के पास एग्जैक्ट टाइमिंग्स में। नाउ फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड इज पम्प्ड टू द बॉडी थ्रू द एओर्टा एंड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स अलोंग इज पम्प्ड बाय द पल्मोनरी आर्टरी। सो स्टूडेंट्स, जो अब ब्लड हमारे पास आ गया वेंट्रिकल्स में, दोनों राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, अब हमारे क्या हो जाएगा? जब हमारे पास वेंट्रिकल्स में ब्लड आ गया तो हमारे एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्शन फेज ख़त्म हो जाएगा और अब हमारा रिलैक्सेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। जो हमारे पास एट्रिया हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। अब बारी है कॉन्ट्रैक्शन की वेंट्रिकल्स की। दोनों वेंट्रिकल्स राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स एंड वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब उन दोनों की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड जो है वो फर्दर सप्लाई किया जाएगा आगे। राइट वेंट्रिकल से सारा ब्लड जाता है लंग्स के पास, किसके ज़रिए? पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए। सो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स अलोंग द पल्मोनरी आर्टरी, ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मीन्स, फिर मैंने आपको बताया था कि पल्मोनरी का वर्ड यूज़ किया जाता है लंग्स के लिए, कनेक्टेड है ये वर्ड फिर लंग्स के साथ। तो पल्मोनरी, जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास ब्लड आना है, वो आएगा पल्मोनरी आर्टरीज के जरिए, बिकॉज द आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स जो है हमारी, वो कैरी करेंगी ब्लड हार्ट के पास, और जो आर्टरीज हैं वो कैरी करेंगी ब्लड हार्ट से दूर, हार्ट से आगे की तरफ, दूर की तरफ लेके जाएंगी। जबकि जो वेन्स हैं वो ब्लड लाएंगी करीब, दिल में
या फिर हार्ट में ब्लड लाएंगी। सो स्टूडेंट्स, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन जब हुई राइट वेंट्रिकल की, सो द ब्लड इज पम्प्ड टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। अब हमारे पास सारा लंग्स है वो हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, यानी कि जो लंग्स के पास ब्लड आया वो हो गया डीऑक्सीजनेटेड। सो स्टूडेंट्स, जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेम टाइम पे, एग्जैक्ट उसी टाइम पे हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। सो वन एवर द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, द ब्लड इज पम्प्ड टू द बॉडी थ्रू द एओर्टा। जो हमारे पास एओर्टा है वो ब्लड सप्लाई करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल से थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड चला जाएगा एओर्टा के पास। एओर्टा जो है वो हमारे पास क्या है, आर्टरीज हैं जो फर्दर डिवाइड होती हैं आर्टरीज में, और वो सारा ब्लड सप्लाई कर देती हैं हर हर बॉडी ऑर्गन और टिश्यू को। बोथ वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम, जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सेम टाइम पे। एवरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल इज कॉल्ड हार्ट बीट। सो एट्रिया और वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट, जो कि हम अक्सर महसूस भी कर रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं और डॉक्टर भी हमारी चेक करते हैं। एट्रिया एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट को हम एट्रिया वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को हम कहेंगे हार्ट बीट। इन फैक्ट देयर इज रियली अ डबल बीट सिंस द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट जस्ट बिफोर द वेंट्रिकल। हमारे पास जो हार्ट बीट है वो डबल है, क्यों, क्योंकि पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसी वजह से हार्ट बीट जो है हमें दो दफ़ा सुनाई दे रही होती है, फर्स्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन एंड देन द वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन। दिस इज इम्पॉर्टेंट इफ ब्लड इज टू फ्लो थ्रू द हार्ट इन द राइट डायरेक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि ब्लड तो यूँ भी फ्लो करा जा सकता है, पंपिंग का जो मैकेनिज्म है वो क्यों ज़रूरी है राइट डायरेक्शन, क्योंकि अगर ब्लड पंप नहीं करे, अगर जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अपर राइट जो वेंट्रिकल्स हैं राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो वेंट्रिकल्स के पास ब्लड नहीं आएगा, वेंट्रिकल्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ब्लड जो है वो राइट डायरेक्शन में नहीं जाएगा, यानी कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगा बल्कि वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, आपको अपने स्क्रीन्स पे हार्ट की जो तीन पिक्चर्स हैं वो शो हो रही होंगी, जिसमें हमारे पास ऑर्गन्स जो हैं या फिर जो वेन्स और आर्टरी हैं उनको मेंशन किया गया है। फर्स्टली हमें वेना कावा जो है वो इसको जो है दिखाया गया है थ्रू लेबलिंग, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, वॉल्व्स क्लोज, पल्मोनरी वेन्स, जहाँ हमारे पास वॉल की क्लोजिंग हो रही है वहाँ भी दिखाया है कि जब वॉल्स क्लोज है, नाउ द वॉल्स क्लोजेस, और उसके बाद हमारे पास एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हुई या फिर जो हमारे एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वॉल्स जो है वो सिकुड़ना शुरू होंगी, जो दिल की वॉल्स हैं वो सिकुड़ना शुरू होंगी और ब्लड जो आएगा जो आना शुरू हो जाएगा वो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में आना शुरू हो जाएगा। सो जो वॉल जो हैं एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में हैं वो जो हैं उस वक्त ओपन होना शुरू हो जाएंगी, वो खुल जाएंगी तो सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या है, वॉल जो हैं क्लोज होंगी, क्योंकि जब कभी भी हमारे पास वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में वॉल्स होती हैं ना वो क्लोज जाती हैं। उनके क्लोज होने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि अगर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की जो वॉल्स हैं वो क्लोज नहीं होंगी तो हमारे पास ब्लड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, जिस तरह के मैंने आपको पहले बताया था कि वॉल्स होना एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में इसलिए ज़रूरी है ताकि जो ब्लड जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में ना जा सके। उसके बाद हमारे पास जब वॉल क्लोज हो गई, वेंट्रिकल भर गया ब्लड से, तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी। राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगी उसकी, और सारा ब्लड जो है हमारे पास एओर्टा के थ्रू बॉडी को सप्लाई कर दिया जाएगा। ओके, योर हार्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम अ मिनट व्हेन यू आर रेस्टिंग, बट दिस कैन इंक्रीज टू वेल ओवर 100 टाइम्स अ मिनट ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी और एक्साइटमेंट। यू कैन ईजिली मेजर योर हार्ट बीट बाई टेकिंग योर पल्स। सो स्टूडेंट्स, अ हार्ट बीट 70 टाइम्स अ मिनट, क्योंकि हमारे पास हर 70 टाइम्स अ मिनट, एक मिनट में जो हमारा जो हार्ट है वो बीट करता है 70 टाइम्स। बात की जाए तो ये आपको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी जल्दी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, येस, इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी ही हमारे जो एट्रियम वेंट्रिकल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता चल रहा हम रिलैक्स स्टेट में हैं, रेस्ट स्टेट पे हैं, या फिर जो हमारे पास जो हमारा
हमारा जो मोड है वो वर्किंग मोड पे है, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज कर रहे हैं या कोई भी हम घर का एक्सरसाइज कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन ब्लड जो है वो बहुत रैपिडली जो है ट्रेवल कर रहा होता है और बहुत जल्दी जल्दी जो हमारी हर हर ऑर्गन को प्रोवाइड कर दिया जाता है थ्रू लंग्स या फिर थ्रू वेंस और आर्टरीज या फिर वेंस जो हैं वो वापस दोबारा ब्लड जो है हार्ट के पास लेके चली जाती हैं। सो नैनो सेकंड्स में ये काम हो रहा होता है, इसीलिए 1 मिनट में 70 बीट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं। योर हार्ट बीट्स अबाउट 70 टाइम्स अ मिनट व्हेन यू आर रेस्टिंग, बट दिस कैन इंक्रीज टू वेल ओवर 100 टाइम्स अ मिनट ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी और एक्साइटमेंट। इस बात का क्या मकसद है कि अगर आप रेस्टिंग स्टेट में हैं, आप बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सो रहे हैं, तो उस वक्त आपका जो हार्ट है वो एक मिनट में 70 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, 70 टाइम आपको हार्ट बीट सुनाई दी जाएगी। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये हार्ट बीट का जो अमाउंट है या फिर जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। अगर आप कोई बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा कोई काम कर रहे हैं ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा आपको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है आपके ऑर्गन्स को या किसी भी काम में बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रही है, तो इस तरह जल्दी जल्दी आपको ब्लड जो है ज़्यादा चाहिए होगा। उस स्टेट में हमारा हार्ट भी जो है वो जल्दी जल्दी काम करता है और जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो हमारी जो हार्ट बीट है वो इस सूरत में बढ़ भी सकती है। इसीलिए हम लोग को अक्सर फील हो रहा होता है जब हम लोग कभी भी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम लोग भाग रहे होते हैं, तो उस वक्त में हमारा हार्ट जो है वो ज़्यादा जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। इवन कि कभी कभी अगर खामोशी हो तो आपको लग रहा होता है कि आपको जैसे बाहर बीट की आवाज़ आ रही हो, दिल धड़कने की आवाज़ आने लगती है, आपको लगता है कि हमारा दिल बहुत तेज़ से धड़क रहा है। सो वो इसी स्टेट में होता है जब कभी भी हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, हमारा जो वर्कलोड है वो ज़्यादा होता है, तो हमारी जो हार्ट बीट है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। यू कैन ईजिली मेजर योर हार्ट बीट बाय टेकिंग योर पल्स। हम लोग अपनी हार्ट बीट किस तरह मेजर कर सकते हैं, पल्स के थ्रू मेजर कर सकते हैं हार्ट बीट। अगर आप लोग अपने रिस्ट पे जो हाथ लगा कर देखें, जैसे डॉक्टर्स मोस्टली चेक कर रहे होते हैं या फिर डॉक्टर्स जिस तरह चेक करते हैं स्टेथोस्कोप के ज़रिए भी, तो आपके हार्ट बीट जो है वो जल्दी जल्दी सुनाई दे रही होती है। इस तरह हम लोग पल्स के थ्रू अपनी हार्ट बीट चेक कर सकते हैं। देयर इज़ अ सर्ज of blood produced in the arteries every time the ventricle contract. You can feel a pulse with your fingertip at your wrist when an artery passes between a bone and the surface of the skin. So students, जब कभी भी ventricle जो है हमारे contract कर रहे होते हैं, हमारे जो pressure है वो arteries पर बन रहा होता है, वो जो pressure पड़ रहा होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी blood जो है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है, तो उस वक्त हमें हार्ट बीट जो है वो महसूस हो रही होती है। और हम हमेशा अपनी जो हार्ट बीट है वो किस तरह चेक कर सकते हैं, जो हमारी आर्टरी पासेज होती हैं वेंस के थ्रू और सरफेस ऑफ द स्किन पे, तो वहाँ पे हम लोग अपनी रिस्ट पे हम लोग अपनी हार्ट बीट जो है वो मेजर भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आर लास्ट टॉपिक इज हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीजेज आर कॉज व्हेन coronary arteries get blocked by a fatty substance called cholesterol. The coronary arteries are very narrow and when cholesterol stick to the artery walls, it make them even narrower. This causes the blood to supply to heart to slow down. This means that during exercise, oxygen does not get to the heart muscle fast enough. A cramp-like pain spread across the chest. This pain is called angina. So students, basically होता ये है कि heart diseases हमेशा जब develop होती हैं या फिर जब होती हैं जब हमारी जो arteries हैं, coronary arteries हैं, वो block हो जाएं। Coronary arteries block क्यों हो जाती हैं? क्योंकि arteries supply करती हैं blood पूरे organ को, और इसके अलावा हमारे पास कभी भी ब्लड जो है पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं होगा, वो एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि फैटी सब्सटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी स्टिक हो जाएँ कोरोनरी आर्टरीज में। फैटी सब्सटेंसेस कौन से हैं? तो फैटी सब्सटेंसेस हैं हमारे पास कोलेस्ट्रॉल। द कोरोनरी आर्टरीज आर वेरी नैरो एंड व्हेन कोलेस्ट्रॉल स्टिक टू दी आर्टरी वॉल, इट मेक दैम इवन नैरोअर। कोरोनरी आर्टरी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, वो क्या होती हैं, बहुत पतली पतली बारीक बारीक से होती हैं, उनके पास इतना सरफेस एरिया नहीं होता, बहुत बड़ी बड़ी नहीं होंगी वो, बहुत उनका जो सरफेस एरिया है वो बहुत ज़्यादा, यानी कि आसान उर्दू में कहा जाए तो जो चौड़ाई है वो बहुत कम है, तो वो नैरो हैं। जब कभी भी हमारे पास कोलेस्ट्रॉल जो है वो बिल्डअप होना शुरू हो जाता है कोरोनरी आर्टरीज में, तो वो उसकी वॉल्स को और ज़्यादा बारीक से बारीक करता जाता है। जब कोलेस्ट्रॉल जमा होना शुरू हो जाएगा, जाहिर है जो पैसेज है जिससे ब्लड जो है वो गुजर रहा है वो और नैरो हो जाएगा, तो हमारी ब्लड जो है हमारी बॉडी को जो सप्लाई जो है वो बहुत ज़्यादा
कम हो जाएगा, यानी बॉडी को भी सप्लाई कम हो जाएगा, इसके अलावा जो हमारे पास हार्ट है उसको भी सप्लाई बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। तो जब कभी भी हमारे पास हार्ट के पास ब्लड आना कम हो जाता है, हार्ट के पास ब्लड की जो अमाउंट है वो कम आना शुरू हो जाता है, तो अब हमारे पास रेस्टिंग स्टेट में तो एंजाइना नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस वक्त तो हमारे पास कोई ऐसी हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग ऐसा कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं कि हमारे हार्ट पे प्रेशर बढ़े या फिर हमारी बॉडी पे प्रेशर बढ़े। सो ड्यूरिंग एक्सरसाइज ऑक्सीजन डज नॉट गेट टू द हार्ट मसल फास्ट इनफ, अ क्रैम्प लाइक पेन स्प्रेड अक्रॉस द चेस्ट, दिस पेन इज कॉल्ड एंजाइना। सो स्टूडेंट्स, होता ये है कि क्योंकि एक्सरसाइज में हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन ही प्रोड्यूस हो रहा होता है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इस सूरत में हमारी बॉडी को या फिर हमारे हार्ट को ऑक्सीजन ही बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि हमारी बॉडी को नहीं मिल रहा होता। क्यों? क्योंकि हमारी कॉरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं, तो ब्लड सप्लाई बहुत स्लो डाउन हो जाता है। इसकी वजह से हमारे हार्ट में एक क्रैम्प लाइक पेन स्टार्ट होता है अक्रॉस द चेस्ट, यानी चेस्ट एरिया में, जिस पेन को हम कहते हैं एंजाइना। एंजाइना जो है वो मोस्टली बहुत कम फील किया जाता है या फिर मोस्टली ठीक भी हो जाता है। जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपको चेस्ट में पेन सा फील होने लगे तो आप थोड़ा आराम कर लें, थोड़ी देर बैठ जाएँ, वो काम करना रोक दें, तो वो पेन ठीक हो जाता है, क्योंकि वो टेम्प्रेरी टाइम के लिए हो रहा होता है, वो रेस्ट से ठीक हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो मेक्स द इनसाइड ऑफ द आर्टरीज रफ, विच कैन कॉज द ब्लड टू क्लॉट। क्लॉट कैन ब्लॉक एन आर्टरी कम्प्लीटली, दिस ब्लॉकेज इज कॉल्ड थ्रोम्बोसिस। अ हार्ट अटैक इज अ थ्रोम्बोसिस इन द कॉरोनरी आर्टरी, अ कॉरोनरी थ्रोम्बोसिस। विद इट्स ब्लड सप्लाई कट ऑफ द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। सो स्टूडेंट्स, जब कभी भी जो कोलेस्ट्रॉल है उसका बिल्डअप बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारी टाइनी कॉरोनरी आर्टरीज को बहुत ज़्यादा रफ कर देगा। जब कभी भी रफ हो जाएंगी वो कॉरोनरी आर्टरीज, तो जो है हमारे पास ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। रफनेस की वजह से ब्लड का क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ब्लड के बहुत ज़्यादा जर्रा जो है वो एक जगह जमा होना शुरू हो जाएंगे, लाइक अ बोलस, यानी कि एक छोटी सी बॉल की तरह हमारे पास एक कॉरोनरी आर्टरीज में क्लॉट बन जाएगा। वो क्लॉट हमारे पास जो है वो क्या करेगा, ब्लॉक करेगा आर्टरी को कम्प्लीटली। कोलेस्ट्रॉल की वजह से या फैटी एसिड डिपॉजिट की वजह से हमारे पास प्लाक का बिल्डअप था, लेकिन वो अराउंड द वॉल्स था, ब्लड सप्लाई हो रहा था, कम हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि क्लॉट बन गया है, समझे बिल्कुल एक दीवार बन गई है कि अब ब्लड जो है उन कॉरोनरी आर्टरी से बिल्कुल भी सप्लाई नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस ब्लॉकेज को हम लोग क्या कहते हैं, दिस ब्लॉकेज इज कॉल्ड अ थ्रोम्बोसिस। क्लॉट फॉर्मेशन को हम लोग थ्रोम्बोसिस कह रहे होते हैं, थ्रोम्बस बन जाता है। हार्ट अटैक इज थ्रोम्बोसिस इन द कॉरोनरी आर्टरीज। हार्ट अटैक क्यों कॉज होता है, क्योंकि हमारी कॉरोनरी आर्टरी जो कि हार्ट को सप्लाई कर रही हैं ब्लड, वो क्या हो जाती हैं, कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाती हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट। विद इट्स ब्लड सप्लाई कट ऑफ द हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। इस वजह से क्या होता है, हमारे ब्लड का जो सप्लाई है वो बिल्कुल ही बंद हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, और हमारा हार्ट जो है वो बिल्कुल ही बीट करना बंद कर देता है। जब हमारा हार्ट पंप ही नहीं करेगा, हार्ट बीट डेवलप नहीं होगी, ब्लड फर्दर बॉडी को सप्लाई नहीं होगा और हार्ट काम करना छोड़ देगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, और उस केस में इंसान का बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर हमारा सिवियर हार्ट अटैक हो, बहुत ज़्यादा सिवियर हो, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो, तो इंसान का बचना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ फॉर टुडेज़ क्लास। हमारे पास यहाँ पे चैप्टर 4 भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।